स्वागत है आपका मिनी सही एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। सहारा इंडिया मध्य प्रदेश के चीफ को सिविल लाइन थाना पुलिस लाई भोपाल से। सहारा इंडिया के उपभोक्ताओं ने मांगे अपने पैसे। गौरियाखेड़ा के गिरमीड़ा जिला मुख्यालय गांव में विद्युत व्यवस्था न होने से है खासी परेशान। प्रशासन से मांगी गांव में बिजली। और युवा शक्ति संगठन द्वारा सर्वजन कल्याण हेतु माधवगंज पर हुआ 11 सामूहिक श्री हनुमान चालीसा का पाठ। विधायक रहे मौजूद। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे। वहीं सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की बात कही। इतने सारी लोग बैठे हैं, 12 सूत्रीय मांगे हैं हमारी, उन मांगों को हम पूरा करवाना चाहते हैं। कुशवाहा है, मैं नई बद्री स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या समस्या है आपकी, कब से मांग को लेकर आप कहाँ बैठे? हम करीब 10 वर्षों से मध्य प्रदेश शासन से मांग करते आ रहे हैं कि हमारी जो है वेतन असंगति को दूर किया जाए। और भी 12 सूत्री समस्या हैं, इनको भी आज दिनांक तक निराकरण नहीं किया गया है, जो कि हम 8 तारीख से अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। अभी तो कोई प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी आया आपको? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। विदिशा तहसील के गौरियाखेड़ा के भगपानपुर निवासी जिला प्रशासन के पास पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनके गांव में विगत कई वर्षों से विद्युत व्यवस्था स्थायी न होने से ग्रामीण काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। विद्युत अव्यवस्था से परेशान ग्रामीणों ने अपनी बात मीडिया से साझा की है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम गौरियाखेड़ा अहरवार बस्ती से। कहाँ पर है ये परियाजीत पंचायत? लगती है विदिशा तहसील लगती है। क्या समस्या है आपकी? साहब हमारे यहाँ 24 घंटे वाली लाइट नहीं है, बहुत परेशान है। कितने घंटे लाइट आती है? घंटे कभी 1 घंटे कभी 2 घंटे, इसके अलावा नाइट में हमको लाइट नहीं मिल रही। बच्चे परेशान रहे, मतलब बच्चे बीमार हो रहे हैं, जेंट्स बीमार हो रहे हैं, लेडीज बीमार हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पूरी बस्ती परेशान है हमारी। और जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। धीरज सिंह अहरवार, कहाँ से? गौरियाखेड़ा है गाँव, गौरियाखेड़ा गाँव है, ग्राम पंचायत पेपरी अजीत में लगता है। उसका एक छोटा सा कौन सी आती है? विदिशा। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये है साहब, जब अभी तक ये 24 घंटा अटल ज्योति लाइट चली है, हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। कितने वर्षों से परेशान हो रहे हैं आप? लगभग अब लगा लो मिनिमम 6 साल हो गए। 6 साल? कितने परिवार रहते हैं वहाँ पे? 20-25 परिवार निवास करते हैं। कैसे स्थिति से गुजर रहे होंगे वो आप बता सकते हैं? महसूस करके कि स्थिति ये है कि बच्चे हमारे पढ़ नहीं रहे हैं, लाइट में मच्छर खा रहा है, बीमार हो रहा है, हॉस्पिटल इलाज करवा रहे हैं। विद्युत विभाग के जोन 2 में पदस्थ शिवनारायण कर्ण अपनी बीमारी के चलते कुछ समय से सेवाएं देने में असमर्थ था। वहीं शिवनारायण ने बताया कि विद्युत विभाग में पदस्थ अखिलेश बिहारी द्वारा तरह तरह की प्रताड़नाएं दी जा रही हैं, जिससे उसने आत्महत्या की बात कही है। यह आरोप शिवनारायण द्वारा लगाए गए हैं। जी उन्हीं के साइन है। नारायण कर्ण है, पिताजी का नाम हीरालाल कर्ण। क्या काम करते हैं? मैं बिजली घर में लाइन में इनकी पोस्ट हूँ, लाइन में करती हूँ। कब से कर रहे हैं? मैं 33 साल हो गई मुझे नौकरी करती हूँ। तो आप क्या दिक्कत आ रही है? सर ये नए साहब आए बिहारी जी। क्या नाम है उनका? बिहारी अतुलेश सिंह बिहारी, जोन 2 विदिशा। ये 5 महीने से मेरी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, मेरे बच्चे भी भूखे मरने लगे हैं, सारी रकमें बेच के घटी में अपने बच्चे का पालन। सर मुझे अटैक उठा था, मैं भर्ती था भोपाल में, फिर मैंने माजी के यहाँ, माजी डॉक्टर जी के यहाँ इलाज कराया और मैंने अपना मेडिकल भी लगाया ऑफिस में, उसके बाद भी मुझे पेंशन नहीं गई। पिछले 70 दिन से मैं डेली नौकरी कर रहा हूँ, रात के 12 से 8,
और मेरे साथ रहने वाले साथी बारे लाल जी हैं, विजय है और एक पंडित जी हैं और राजकुमार ड्राइवर हैं। रात को 2-2 बजे मैं 11 KV पे चढ़ता हूँ। अटैक आने के बाद मुझे चढ़ाया जाता है बिना सेफ्टी के, बिना हेलमेट के, जो मुझे दिया नहीं गई गई, और हमेशा मेरे को माँ बहन की गाली बकते हैं। कौन बकता है? अखिलेश बिहारी जी मुझे माँ बहन की गाली बकते हैं और सारे स्टाफ को ही बकते हैं अधिकतर। और मेरा हाई पे स्केल इनने 8 साल से रुकवा रखा है। जो मेरा अधिकार है, पास पड़ा है डिवीज़न में, मुझे नहीं दिया गया। अब मेरे शरीर को कोई भी हानि हो या मेरी नौकरी पर कोई हानि हो, उसके जवाबदार अखिलेश सिंह बिहारी जी होंगे, क्योंकि इनने मुझे इतना प्रताड़ित कर दिया है, मेरे बच्चों को रुला दिए 4-4 आँख। अब मेरे आखिरी एक ही चारा बचता है कि मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूँ। इसके अलावा कोई चारा नहीं, मैं क्या करूँ? अभी अब तक किसी को और आवेदन दिया? जी, मैं सभी से निवेदन कर चुका। सब ये कहते हैं, बड़े अधिकारी ये कहते हैं, आप इसके अंडर में हो, उसी से बात करो, उनके कहने जाता हूँ। जैसे कलेक्टर से अगर आपने बात करी हो, LGM से? जी नहीं, जी नहीं, मैंने नहीं करी। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आज भी फैला आदमी हूँ, है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना मेरी इतनी पहुँच है। बस कितने परिवार में बच्चे वगैरह कितने हैं? सर, मेरे बच्चे तो 3 हैं और पत्नी है और बहू है। से रहते हो? मतलब नहीं, घर का मकान है सर। कहाँ रहते हो? RMP नगर फेज 2 में रहता हूँ। सारा इंडिया मध्य प्रदेश के चीफ शिवाजी सिंह को सिविल लाइन थाना पुलिस भोपाल से पूछताछ के लिए लेकर आई। सारा इंडिया के उपभोक्ता भी थाने पहुंचे। वहीं उपभोक्ताओं ने पुलिस से कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए अपना पैसा मांगा है। वहीं महिला एवं पुरुष उपभोक्ताओं ने अपनी बात मीडिया से साझा की है, जिन्होंने लाखों रुपये सारा इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं और अब पैसा न मिलने से वह काफ़ी परेशान हैं। रवि कुमार जी, आज कहां पर आए, क्या मामला है और जो आपके हाथ में क्या है? हम लोग देहात थाने आए हुए हैं। यहाँ पे अभी सारा इंडिया का मामला है। सारा इंडिया में हम लोगों को भुगतान लेना है, जो काफ़ी वर्षों से हम लोगों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। और वहाँ का आज जनरल चीफ को गिरफ्तार करके भोपाल से विदिशा लाए गए हैं। उससे मार्फत आए कि ये हम लोगों के भुगतान है और इस पर हम लोगों को रोक लगाई जाए। इनकी जनरल चीफ का नाम बताएं? शिवाजी सिंह जी। किस तरीके से ये पेमेंट करवाते थे उपभोक्ता को सारे का? कमीशन लेके इनने अभी बीच में भुगतान कराए हैं। कितने लोगों को करवाया था? अब ये तो रिश्तेदारों के और उनके कुछ खास लोगों को ही कराते गए हैं, बाकी सबके भुगतान रोक दिए गए हैं। किसी गरीब की, किसी बीमार लोगों के नाम से जो पैसा आया, वो भी इन्हें इधर उधर बंटवा दिया गया जी। आज क्या उम्मीद की जा रही है यहाँ पर? उम्मीद हमको सरकार से और न्यायालय से काफ़ी उम्मीद है कि हम लोगों को भुगतान करेंगे और इनको जमानत ना दी जाए। जी, क्या शिकायत करने के आई, क्या समस्या? सहारा के पेमेंट के लिए शिकायत कर। कितना बकाया आपका? हमारा तो अभी कम से कम 15-20 लाख रुपए जमा है और मेंबरों का है वो अलग ही है सर। आप एजेंट हैं? मतलब एजेंट थी, अब जमा करता ही रही हूँ। अच्छा। अब कहाँ से? तो ये जो कौन आप जहाँ पे आज कौन किसको गिरफ्तार करके लाए? शिवाजी सिंह। कौन है ये शिवाजी सिंह? जोन अध्यक्ष। तो क्या ये भोपाल ब्रांच में आप इस यहाँ से क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप यही उम्मीद करना चाहते हैं कि सर हम लोगों का पेमेंट हो, हम लोग। तो ये जो व्यक्ति है, जो आपका जो चीफ है यहाँ पर, वो किस तरीके से भुगतान करता था लोगों का? ये कमीशन लेके भुगतान कर रहा था भोपाल ब्रांच में। अच्छा। और हम लोगों को तो अंदर जाने ही नहीं दिया है, बोल रहा था भुगतान नहीं हो रहा है, बंद है। अच्छा। कबीरपंथी कोरी समाज समिति विदिशा द्वारा इस वर्ष कबीर जयंती का आयोजन 4 जून को आयोजित होगा। यह संस्था पंजीकृत थी, लेकिन अब इसका पंजीयन रद्द हो गया है। समाज के वरिष्ठ मूलचंद कबीर पंथी ने अपनी बात इस संबंध में मीडिया से साझा की है। कबीर पंथियों साहब, पूर्व अध्यक्ष कबीर पंथी समाज से। वर्तमान में समाज कुछ जल्दी निकल निकलेगी, क्या है साहब? हम लोग तो पहले कई मीटिंग पंचायतों में अवगत करा चुके हैं कि कबीर पंथी समाज समिति जो है ना पंजीकृत संस्था थी, जिसका हमने पंजीयन कराया था, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है। उसके बाद कई लोग अपने कार्यकारिणी बना लेते हैं, 4-6 लोग मिलकर 8-10 लोगों का समर्थन लेकर, और वो संस्था के माध्यम से, पंजीयन के माध्यम से चंदा करते हैं, तो आगे के लिए उनके लिए कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।
क्योंकि पिछले साल दो साल पहले भी यही विवाद हुआ था, कबीर जयंती 8 साल से नहीं मनी और अब मना रहे हैं लोग, तो हम ये चाहते हैं कि पंजीयन का उपयोग ना करें, क्योंकि पंजीयन रद्द हो चुका है और रजिस्ट्रार ऑफिस में भी कोई रिकॉर्ड नहीं इनका, ना कोई हिसाब किताब का जाता है, ना कोई लेखा जोखा है, ना लोकल में कोई लेखा जोखा रखता है, प्रतिवर्ष और वार्षिक खर्च का आय व्यय का कुछ नहीं रखते हैं जी, और रखते भी हैं तो मोटा मोटा कर लेकिन आपकी जो रसीद है बस, और रसीद सिर्फ पंजीयन समिति संस्था से ना कटे, और लोकल में अभी कोई अध्यक्ष नहीं है, कार्यकारिणी बना लिए कि हम चल समारोह निकालने के लिए 10 लोग अधिकृत करे हैं, 20 लोग समाज के लोगों ने, 25 लोगों ने, बाकी पूरे समाज को ये पता नहीं है कि पंजीयन संस्था रद्द हो चुकी है, ये विशेष हम अवगत कराना चाह रहे थे। और हमारे कबीर जयंती का कार्यक्रम भंडारा सुल्तानिया में 19 मई को है, 1 जून से 4 जून तक बासुदा में, सभी सादर आमंत्रित हैं, साहिब बंदी जय। विदिशा विधायक ससंग भार्गव के संरक्षण में युवा शक्ति संगठन द्वारा सर्वजन कल्याण की मनोकामना को लेकर श्री हनुमान चालीसा के 11 सामूहिक पाठ का आयोजन मंगलवार की शाम को माधवगंज चौराहे पर कराया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा शक्ति संगठन के सदस्य उपस्थित थे। लगभग 2 घंटे तक चले कार्यक्रम में श्रोता भजनों का आनंद भी लेते रहे। वक्त चाहिए ना मुझको आराम के लिए, मेरी जिंदगी है सिर्फ मेरे राम के लिए, मेरी जिंदगी है सिर्फ मेरे राम के लिए, वीरानों में राम न भाए, लोगों में ना नीर बहाए, वीरानों में राम न भाए, कैसे मन को मनाऊं उनके लिए, मेरी जिंदगी है सिर्फ मेरे राम के लिए। ताजातरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा एनटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। इतना ही, शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर एनटी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर सकती।